बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रीति रघुनंदन। योगी सरकार ने सुजीत पांडे को लखनऊ का, जबकि मेरठ जोन के आईजी रहे आलोक कुमार सिंह को नोएडा का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया। छात्रों को पीटे जाने के मामले में पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराने से नाराज जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों ने वीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जेएनयू के 3 प्रोफेसरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप और गूगल को नोटिस जारी कर सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का ट्विटर पर वीडियो शेयर करने के मामले में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा। और इस बीच बड़ी खबर यह कि जामिया में छात्रों का विरोध थम नहीं रहा है। 15 दिसंबर को ही हिंसा के बाद आज छात्र जामिया पहुंचे और कुलपति के दफ्तर का घेराव कर लिया। छात्रों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जामिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की पिटाई करने वाली पुलिस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। छात्रों के प्रदर्शन के बाद जामिया की कुलपति नजमा अख्तर छात्रों के बीच आई और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र मांग करते रहे कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। काफी देर तक छात्रों को समझाने के बाद वीसी अपने ऑफिस में वापस लौट गईं। इसके बाद भी छात्र उनके दफ्तर के बाहर ही अड़े हुए दिख रहे हैं। आरोप लग रहा है कि वीसी ने उनकी कोई बात नहीं मानी है। जो भी चीजें उसके बावजूद भी हम लोगों ने ऑब्जेक्शन भेजा है उसी गवर्नमेंट को जिसके हम एम्प्लॉय हैं, भेजा है उसको और बार बार उसके पीछे लग रहे हैं। अब हम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है। आपने बोला था कि हम लोग उस टाइम कोर्ट में जा रहे हैं और मैम अभी बोल रही है कि अब हम लोग कोर्ट में जाएंगे। सर 15 दिन पहले हम लोग झूठ बोला था। पुलिस कैंपस के अंदर घुसी कैसे, और जब मीडिया में आपसे सवाल हो रहा था कि रिस्पॉन्सिबल कौन है तो आपने दो बड़ी क्यों बोला, एक बजे पूरा दिखाएगा तभी डिस्टॉर्टेड दिखा रहा है। गर्ल्स हॉस्टल को क्यों सेफ नहीं कर पाई आप? कैंपस तो बाद में सेफ करेंगी, पहले गर्ल्स हॉस्टल को सेफ करिए। देखिए सारी जगह सिक्योरिटी को हम लोग ने डबल कर दिया है और अगर आप कि 13 तारीख को हमला हुआ वो आप किसका हमला कर रहे हैं हम लोगों, हम उसको एक आतंकी हमला कर रहे हैं पहली बात। दूसरा 13 तारीख को जो हमला हुआ उसमें आपने क्या कदम उठाया पुलिस के लिए? 13 को पहली बात, अगर आप 13 को कदम उठाती तो 15 को कुछ ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, आप कह रही है अगर आप एफआईआर नहीं करा पा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आप आगे आगे चलिए, पीछे पीछे बचे जाने के लिए। सुनने में आया है मैडम आप ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं, मैडम ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं 15 तारीख को, इस बात को क्लियरिफाई करती है। मैडम सवाल है मैडम से कि आप 15 तारीख को ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं हमारे घर को छोड़ करके, हमारे मैं आप लोगों छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। मैम मेरा सवाल ये है, वो 3 बच्चे जिनको पुलिस ने लाइब्रेरी में घुस के मारा, एक बच्चे के सर में 5 टाके आए, एक बच्चे के 4 घंटे ऑक्सीजन लगी, एक बच्चा बेहोश हो गया और दिल्ली पुलिस उन्हीं के ऊपर आकर एफआईआर करती है कि इन 3 बच्चों ने हिंसा भड़काई है, पहला सवाल तो मैम ये। और अब तक 90 अलग एफआईआर भी सुनने में आ रही है, अन्य एफआईआर दिल्ली पुलिस कर रही है। मैम 200 बच्चे इंजर्ड हुए हैं और इस पूरी हिंसा की जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर डाल दी गई है कि बच्चों को भड़का रहे थे, बच्चों ने हिंसा करी है। मैम आपका क्या स्टैंड है, आप जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनको वापस कराने के लिए क्या कर रही है? जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी उनके ऊपर भी पुलिस अन्यमंड एफआईआर कर रही है, आपका उसके ऊपर क्या स्टैंड है? देखिए जितने बच्चों को भी पुलिस ले गई थी हमारे आगे ऑफिसर्स जाके सबको लेकर लाए, कोई बच्चे की प्रगति नहीं हुई। तो आप एक कॉम्पैक्ट शेड्यूल बनाइए एग्जाम का, हम सब लिखेंगे एग्जाम, लेकिन एफआईआर होगा उसके बाद। आप एफआईआर कीजिए एग्जाम, एक सेकेंड एफआईआर कीजिए, साथ साथ आप एग्जाम का शेड्यूल बनाइए। जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होगा हम कल एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। हम आप लोग उसको एज अर्ली एज पॉसिबल करा रहे हैं, जो चीजें हमारे हाथ में हम वो करेंगे, जो चीज कोर्ट के हाथ में, कोर्ट जा रहे हैं ना, हम अब हम कोर्ट जा रहे हैं। जामिया
दफ्तर का घेराव छात्र कर रहे हैं। वीसी नजमा अख्तर छात्रों के बीच में भी मौजूद थी। देखिए किस तरह से लोग यहां पर छात्र मौजूद हैं और एफआईआर की नारेबाजी यहां कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप बड़ी मांग? भाई साहब तो रिजाइन दे दे वीसी। हाँ, रिजाइन एफआईआर की बड़ी मांग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मांग है भाई। इतने लोग, कितने स्टूडेंट जख्मी हुए हैं, उनके खिलाफ कोई पुलिस आके अंदर घुस जाती है विदाउट परमिशन? आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं? संघीय पनाह मत कीजिए और सरकार की चाटुकारिता मत कीजिए। लगातार वीसी कह रही है कि मैं जानती हूँ कि मासूम बच्चों को पुलिस वाले ने मारा, तो एक महीने से क्या करती है? एफआईआर नहीं कर सकती थी? एक एग्जाम रिशेड्यूल की बात उन्होंने मानी है, इस पर क्या कहेंगे? किसी हर यूनिवर्सिटी का रूल है कि एक महीने के अंदर एग्जाम हो चाहिए, यहाँ तो उन्होंने ढाई महीने ले लिए रिशेड्यूल पे रिशेड्यूल, 15-15 दिन का गैप कर दिया, 12 से लेकर 28 हो रहा है वीसी दफ्तर का। और देखिए नारेबाजी लगातार चल रही है। वीसी नजमा अख्तर छात्रों के बीच में अभी मौजूद थी, कई बातें सवाल जवाब का दौर चला, लेकिन अभी फिर से नारेबाजी वीसी दफ्तर के सामने शुरू हो गई है। वीसी मुर्दाबाद के नारे यहां पर छात्र लगा रहे हैं। तो ये तस्वीर जामिया कैंपस के भीतर की, ये बताइए कि किन किन मांगों को माना गया है आपकी? वीसी ने अब तक कोई बात नहीं मानी है। डेलीगेशन के स्टूडेंट के कोई भी जवाब वाइस चांसलर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर नहीं दिए। स्टूडेंट की मुख्य तीन ही डिमांड थी कि जब तक एफआईआर ना हो, कोई भी एग्जाम ना किया जाए, हमारी लाइब्रेरी ओपन कर दीजिए, हम बैठ के पढ़ेंगे कहा जब तक एग्जाम चलेंगे। तो अभी उन्होंने रिशेड्यूल की बात कही है कि आपसे मिलकर तय किया जाएगा अभी एग्जाम को लेकर। जो हमारी जो मेन मुद्दा है ना, उसको पकड़िए, एग्जाम होता रहेगा। जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी है, एफआईआर हो, जिन्होंने पुलिस वालों ने घुस के मारा है उनके खिलाफ पहले एफआईआर होना चाहिए। एज एफआईआर बड़ी मांग है आपकी? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी मांग है, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी, उससे भी दूसरी बड़ी मांग है। बिल्कुल, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि जामिया के अंदर 15 दिसंबर को जो पुलिस ने कार्रवाई की उसके खिलाफ में छात्र लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, तो देखिए अभी भी नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। ये बात जो है, जो गतिरोध है जामिया में, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और वीसी दफ्तर के बाहर लगातार नारेबाजी हो रही है। छात्र लगातार यहां पर जमा है, लगातार यहां प्रोटेस्ट हो रहा है और यहीं पर वीसी दफ्तर के बाहर यहां पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इकट्ठा है और वीसी भी खुद इनके साथ में मौजूद है। मैं अगर तस्वीरों में दिखाना चाहूं, वीसी नजमा अख्तर यहां पर नजर आ रही हैं, वो छात्रों से बात कर रही हैं। कुछ छात्रों ने बताया कि आश्वासन दिया है, आप बता सकते हैं क्या कुछ आश्वासन दिया है उन्होंने, क्या कह रही हैं पुलिस पर जो एफआईआर की मांग आपकी है उस पर क्या कह रही हैं? देखिए 15 दिसंबर के दिन जो भी अटैक हुआ पुलिस ने, तो उसके बाद जामिया वाइस चांसलर का ये स्टैंड था कि हमने क्राइम ब्रांच को लिख करके दिया, हमने SHO को लिख करके दिया है, फिर हमने स्पीड पोस्ट भी करा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि वो लोग FIR रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब वो FIR रजिस्टर नहीं कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 156 क्लाउज 3 CRPC के अकॉर्डिंग आप जाकर के आप FIR दर्ज करा सकते हैं। क्या आश्वासन दिया, क्या कह रही है इन्होंने जो कानूनी तकनीकी बताई थी? वो कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं और 30 दिनों से कोशिश ही कर रहे हैं। यहाँ पर आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वाइस चांसलर है वो इन चीजों को नकार रही है, वो किसी तरह हम बच्चों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो यहाँ पर वीसी नजमा अख्तर है वो नजर आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम मांग छात्रों की है वो ये है कि 15 दिसंबर को जो जामिया कैंपस के भीतर हुआ था उसके खिलाफ जामिया कोई कार्रवाई करे, कोई FIR दर्ज कराए, पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज कराए, इस बात की मांग छात्र लगातार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन तोजी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया।